भारत बदनाम देश है कहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मोर्चा खोल दिया है। मिश्रा ने कहा है ये कमलनाथ वेरिएंट नया आया है, ये जहां जहां फैलता है देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक वेरिएंट की संज्ञा दी। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को नया वेरिएंट बताते हुए कहा कि यह देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है, इस देश में घात करने वाले व्यक्ति इसी देश के हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा मीर जफर हो या जयचंद, वह भी इसी देश के थे। देश की प्रतिष्ठा पर सवाल करने वाला नया वेरिएंट कमलनाथ है। यह वेरिएंट जहां जहां फैलता है भारत के अपमान की बात करता है। इतिहास साक्षी है, इस देश के साथ में घात करने वाले जब भी हुए हैं वो इसी देश के हुए हैं, चाहे वो मीर जाफर हो चाहे जयचंद। देश की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करने वाला ये कमलनाथ वेरिएंट एक नया आया है, और ये वेरिएंट जहां जहां भी फैलता है वो भारत के अपमान की बात करता है। कमलनाथ जी, मुझे अचंभा है कि पद की लोलुपता आपको इस उम्र में इतनी हावी हो जाएगी कि आप अपना पद बचाने के लिए देश को भी नहीं छोड़ोगे। मुझे तो अब शर्म आती है, विश्वास नहीं होता कि इस ऐसे समय में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कब्रिस्तान में मुर्दों की आवाज़ सुन लेते हैं, जो मुर्दों से बातचीत कर लेते हैं, जो लाशों की गिनती भी बता देते हैं कि इतने से इतने लोग मर गए। कमलनाथ जी, थोड़ा तो प्रदेश पर रहम करो, उठो चलो। उम्रदराज व्यक्तियों, कोरोना समाप्ति पे है भाई, अभी किसी कहीं चल के गेहूँ बांट देते हैं, कम से कम ये कलंक तो नहीं रहेगा कि आप सेवा के मार्ग पे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई नहीं आया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।